तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं सुपरमैन का पास्ट और फ्यूचर, कैसे वो अपने प्लेनेट से अर्थ पर आया, कौन कौन थे उसके दुश्मन और कौन कौन थे उसके दोस्त। तो आइए जानते हैं उसकी पूरी जर्नी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस यार पता नहीं मेरा फोन कहां पर चला गया, सुबह से ढूंढ रहा हूं मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं ऐसा भी कहां उल्टे हाथ से रख दिया। एक तो आजकल मेरी याददाश्त इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है ना, थोड़ी थोड़ी देर में मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। यहाँ पर भी नहीं है भाई, कहां पर जा सकता है। एक काम करता हूँ रसोई में जाके देखता हूँ, कहीं खाना बनाते टाइम वहीं पर नहीं रख दिया हो। यहाँ पर भी नहीं है, शिनचैन को पता होगा, जल्दी से जाके उससे पूछता हूँ। शिनचैन कहाँ पर है तू, मुझे लगता है नीचे होगा। तो गाइस जल्दी से नीचे जाते हैं। शिनचैन ये भूल क्यों नहीं रहा है, चौक को पता होगा शिनचैन कहाँ पर है। ओ भाई साहब, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, फोन तो शिनचैन के पास ही है। अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया, तू मेरे फोन के साथ क्या कर रहा था। अरे वो मैं चौक की फोटो खींच रहा था। तू बोल के तो जाया कर, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तेरे को पता है। अरे मुझे कैसे पता होगा, आज के बाद से ध्यान रखना। अरे ये क्या फ्रैंकलिन भैया, आपके फोन पे तो किसी का फोन आ रहा है, जल्दी से उठाना फिर। अरे ये तो टोनी भैया का फोन है। हेलो फ्रैंकलिन। अरे नहीं नहीं मैं तो शिनचैन बोल रहा हूँ। फ्रैंकलिन कहाँ पर गया। अरे वो मेरे बाजू में ही है, आप बोलो ना क्या हुआ। मुझे खबर मिली है कि कोई क्रिप्टोनाइट की चोरी कर रहा है जिससे सुपरमैन को नुकसान हो सकता है, तुम्हें जाके उस चोरी को रोकना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं फ्रैंकलिन भैया को बता दूंगा। बताने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर फोन पे तो ऐसे ही बोलना पड़ता है ना। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग चले। हाँ चल चल जल्दी से चलते। तो गाइस फटाफट जाते हैं। पता नहीं कौन होगा जो क्रिप्टोनाइट की चोरी कर रहा है, अब वो तो जाके ही पता लगेगा। अरे रुको मुझे भी बैठने दो। तो बैठना भाई, किसने रोका है। तो गाइस अब जल्दी से चलते हैं। अरे मैं तो बोलता हूँ सुपरमैन को ही बता देते हैं। बता तो देते शिनचैन, पर सुपरमैन का फोन नंबर नहीं है मेरे पास। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे अच्छे से याद है, आपने मांगा था पर उसने दिया नहीं था। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो बेइज्जती हुई। छोड़ना शिनचैन, क्या ही कर सकते हैं। अरे मैं क्या बोलता हूँ, इस बार थोड़ा सा क्रिप्टोनाइट हाथ में लेके नंबर मांगना, अगर नहीं दिया तो मेरा नाम भी शिनचैन नहीं। अबे पागल वागल हो गया क्या, तेरे को पता तो है ना उस चीज से सुपरमैन की जान भी जा सकती है। और ये कौन सी जगह है। चौप टोनी ने यही की लोकेशन भेजी थी, यहाँ तो बस एक पहाड़ है और कुछ भी नहीं। ध्यान से देखिए पहाड़ नहीं है, इसके अंदर जाने का एक रास्ता भी है। अरे हाँ, तो अब जल्दी से नीचे उतरो, फटाफट अंदर जाते हैं, पता नहीं वो चोर कौन होगा। अरे फिर रुके क्यों हो, जल्दी से चलो ना। अच्छा ठीक है आ जाओ मेरे पीछे। यहाँ तो भर भर के क्रिप्टोनाइट है पर कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, थोड़ा और अंदर जाके देखते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे चल ना, मैं हूँ ना, डरने की क्या बात है। अरे इसी बात का तो डर है। गाइस यार यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई नहीं है। एक मिनट, ये रहा वो। ओ भाई साहब हेलो। अबे बहरा बहरा है क्या। तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, चले जाओ। हम लोग कौन है वो छोड़, तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं सुपरमैन को मारने के लिए क्रिप्टोनाइट चुरा रहा हूँ। अच्छा तो एक काम कर, अभी ये सब बंद कर दे वरना इतना मारूंगा ना। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अच्छा ऐसा, जरा अपने पीछे तो देख। क्या देखो। अरे वह सुपरमैन आ गया। क्या धोबी पे छोड़ दिया इसको। वैसे एक बात समझ नहीं आई, ये है कौन, इसकी तो कॉस्ट्यूम भी थोड़ी थोड़ी सुपरमैन जैसी थी। हम दोनों एक ही प्लेनेट के थे पर ये हमारा दुश्मन था। क्या बात कर रहा है, मुझे लगा था तुम्हारे जैसा सिर्फ एक ही है, इसे तो मैं कब का मार देता, पर ये उस दिन वहाँ से भाग गया था। अरे किस दिन, हमें भी तो बताओ, ये बहुत ही लंबी कहानी है। अरे तो क्या हुआ, हम सुनने के लिए तैयार है। तो फिर एक काम करते, उन्हीं के पास चलते, वो हमें सुपरमैन का पास दिखा देगा। तो फिर तुम लोग जाओ, मैं इसे लेके सीधा वहाँ पर पहुँचता हूँ। अच्छा ठीक है, शिनचैन चौप जल्दी से आ जाओ, ये मैं बैठ गया गाड़ी में। अरे रुको रुको, हम भी आ रहे हैं। अरे मैं तुम दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। अरे जो क्रिप्टोनाइट चुरा रहा था ना, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो मरा हुआ सुपरमैन है। ये बात तो तेरी एकदम सही है चौप। अरे जल्दी से गाड़ी भगाओ। भगा तो रहा हूँ भाई। अरे वाह, हम लोग तो पहुँचने ही वाले है। गाड़ी जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं, फटाफट गाड़ी को यहाँ पर रोकता हूँ। उतर जाओ सब लोग, फटाफट अंदर जाते हैं, सुपरमैन भी आने वाला होगा। ये क्या, सुपरमैन तो पहले ही पहुँच गया। अरे पर ये है कौन। अरे यही वो है जो क्रिप्टोनाइट चुरा रहा था। अच्छा ऐसी बात है, वो तो सही टाइम पे सुपरमैन ही आ गया और एक ही बार में इसको मार दिया। अरे हाँ अच्छा हुआ वो आ गए, वरना फ्रैंकलिन भैया बहुत बुरी तरीके से मार खाते। वैसा तुम सब लोग यहाँ पर आए क्यों हो। अरे हम लोग को सुपरमैन का पास देखना है। तो फिर ये पहले बताना चाहिए था ना, अभी जाके मशीन को स्टार्ट करता हूँ। ये मैं पहुँच गया और ये दबा दिया मैंने बटन, सब लोग तैयार हो जाओ। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं सुपरमैन का पास्ट। इस कहानी की शुरुआत क्रिप्टन नाम के प्लेनेट से होती है जो की धरती से काफी दूर और काफी एडवांस था, पर दुख की बात तो यह है कि ये प्लेनेट धीरे धीरे तबाह हो रहा था और इस बात की चिंता वहाँ के हर एक नागरिक को थी, जिसमें से एक था जोरेल जिसे वहाँ का कोडेक्स चाहिए था, जिसमें इस प्लेनेट का डीएनए था ताकि वो कोडेक्स की ताकत से क्रिप्टन को वापस रिक्रिएट कर सके। और ये मकसद सिर्फ जोरेल का नहीं था, जनरल जॉर्ड को भी यही चाहिए था, पर उसके इरादे गलत थे। इन सभी के बीच जोरेल को एक बेटा होता है जिसकी खबर जनरल जॉर्ड को लग जाती है। जोरेल के घर एक बच्चा हुआ है और सुनने में आया है कि वो बहुत ताकतवर है, हमें कुछ करना पड़ेगा। इसकी चिंता तुम मत करो, इस प्लेनेट पे कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता, वैसे भी ये प्लेनेट तबाह हो रहा है, मैं उसे जिंदा रहने नहीं दूंगा, चलो मेरे पीछे, हम अभी जाके उसे खत्म कर देंगे। जोरेल अपने बच्चे को बचाना चाहता था और इस प्लेनेट से दूर भेजना चाहता था, पर जनरल जॉर्ड को ये मंजूर नहीं था, वो इसका पीछा करते रहे। चलो मैं पहुँच गया, अब जल्दी से अपने बेटे को इसके अंदर डालता हूँ, मुझे जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो वो लोग पहुँच जाएंगे, बेटे अपनी रक्षा करना। चलो आखिरकार मैंने इसे यहाँ से निकाल ही दिया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम्हें जिंदा रहना होगा।
तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। ये तुमने बहुत गलत किया। जॉर्ड मेरे बच्चे से दूर रहो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, वह इस प्लेनेट की आखिरी उम्मीद है। मुझे पता है, कोडेक्स भी तुमने उसके साथ भेज दिया है। ये लो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो कोडेक्स मुझे चाहिए था, किसी न किसी तरीके से वो मैं हासिल करके रहूंगा। जो वहाँ के लोगों को पता चलता है कि जनरल जॉर्ड ने जोरेल की जान ली है, वो उसे सजा देते हैं और कुछ सालों के लिए उसे और उसके साथियों को एक जगह कैद कर देते हैं ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा पाए। उसी के साथ क्रिप्टन तबाह होना शुरू हो चुका था और दूसरी तरफ जोरेल का बच्चा और क्रिप्टन की आखिरी उम्मीद अंतरिक्ष से भटकते हुए एक प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि था प्लेनेट अर्थ। अब इसके आगे क्या होना है ये किसी को भी नहीं पता था, तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर कुछ तो गिरा था, बहुत जोर से आवाज आई है। अरे ये क्या चीज है, जल्दी से जाके देखता हूँ। ये तो मेरे खेत में ही गिरी है। अरे बाप रे, इसके अंदर तो एक बच्चा है, मुझे जल्दी से इसे निकालना पड़ेगा। अरे डार्लिंग जल्दी करो, ये चीज फटने वाली है। अरे रुको, अभी आया, जल्दी जल्दी भागता हूँ। बार बार बचा, वरना आज तो ये बच्चा और मैं दोनों ही जल जाते। बड़े ही ताज्जुब की बात है, इतना कुछ हो गया, ये बच्चा रोया भी नहीं। बड़ा ही अनोखा बच्चा है। अब हम लोग क्या करेंगे? अरे करना क्या है, वैसे भी हमारा कोई बच्चा नहीं है और ये तो किसी और प्लेनेट का ही लग रहा है। आज से ये बच्चा हमारा हुआ और हम इसके मम्मी पापा बनेंगे। वैसे भी इस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं है, हमने इसे पाल पोस के बड़ा किया तो हमें पुण्य मिलेगा। अब चलो इसे लेके घर चलते हैं। उस फार्मर फैमिली ने जोरेल के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और वो जिस चीज में धरती पे आया था उसे अपने गोडाउन में छुपा दिया। अब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो बच्चा किस में आया था, वरना लोग उसे एलियन समझ के मार देंगे। उन्होंने बच्चे का नाम क्लार्क रखा और वो अब 10 साल का हो चुका है। अरे मैं लेट हो जाऊंगा। मम्मी कहाँ पर हो आप? ये रही मेरी मम्मी। मम्मी जल्दी से मेरा टिफिन पैक करो, मुझे स्कूल के लिए निकलना है, वरना सर मुझे चिल्लाएंगे। अरे बेटा, तुम्हारा टिफिन तो मैंने कब का पैक कर दिया, तुमने अपना बैग चेक नहीं किया क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे पापा कहाँ पर है? वो तो बाहर है। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बाहर ही मिल लूंगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ पापा के पास, पता नहीं कहाँ पर होंगे वो। अरे वो रहे पापा। अरे बोलो बेटा, आप ये क्या कर रहे हो? अरे मैं घर की थोड़ी मरम्मत कर रहा हूँ, कुछ ही देर में ये बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है लगे रहो, मैं जा रहा हूँ स्कूल, अब जल्दी जल्दी जाता हूँ। आज का तो दिन भी बहुत अच्छा है। चलो फाइनली मैं स्कूल पहुँच ही गया। अरे वो क्या है सामने, ये लोग किसके साथ खेल रहे हैं? जल्दी से इनके पास जाके देखता हूँ। अरे वाह क्या बात है, ये कुत्ता तो बड़ा ही प्यारा है, मुझे भी इसके साथ खेलना है। मोंटू क्या ये तुम्हारा कुत्ता है? ये देखो आ गया भिखारी, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। अरे मुझे तो बस इस कुत्ते के साथ खेलना था, पर ये मुझे इतना भौंक क्यों रहा है? क्योंकि तुम गरीब हो। अरे तो क्या हुआ, हूँ तो आखिर मैं भी एक इंसान। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे भी अपने साथ खेलने दो। तू और हमारे साथ खेलेगा, मुझे लगता है तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे लिए बहुत ही बुरा होगा। अरे प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं चुपचाप अपनी क्लास में चला जाऊंगा, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। सब लोग मारो इसको। अरे ये क्या कर रहे हो, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ए लूक कापल भागता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी क्लास में भी जाना है, मैं तुम सबकी सर से शिकायत करूंगा। अरे अरे गाड़ी कहाँ से आ गई? हमसे भाग रहा था, अब भाग के दिखाना। बेटा तू तो बहुत बुरा फंसा, मैं तो बोलता हूँ इसको बहुत डोल डोलते मालते। अरे प्लीज ऐसा मत करो, सब लोग शुरू हो जाओ। अरे पागल हो गए हो क्या, मार क्यों रहे हो, मुझे लग रही है। अरे अरे ये लोग तो बहुत जोर जोर से मार रहे हैं, एक जन यहाँ से मार रहा है तो एक जन वहाँ से, मैं कहाँ पर जाऊँ? अरे यार अभी कुत्ता भी, प्लीज मुझे छोड़ दो वरना मुझे लग जाएगी। ऐसे कैसे छोड़ दो, ये ले मुझे क्लास में जाने दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ये लोग तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे। दूर हो जाओ मुझसे, तूने मुझे हाथ लगाया, अब ये ले। अरे बाप रे बहुत जोर से लगी है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सब तो गए मेरे हाथ से। अरे ये क्या हो गया, ये तो अचानक उड़ के चली गई, और ये भी, अब तुम्हारी बारी, ये लो। पता नहीं अचानक मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये ले ये भी गई, तुमने इन सब से ये सब करने के लिए कहा था, अब तेरी बारी कुत्ते, तू तो गया आज मेरे हाथ से, ये खा। अरे बाप रे ये सब मैंने क्या कर दिया, ये सब इस गाड़ी वाले की वजह से हुआ है, ये ले। देख के नहीं चला सकता था, कितनी जोर से टक्कर मारी मुझे। भागता कहाँ पर है, रुक जा, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कब तक भागेगा मुझसे, तुझे तो मैं पकड़ ही लूंगा। अरे यार ये तो हाथ से निकल गया, चलो कोई बात नहीं, इससे पहले किसी को पता चले मैं चुपचाप घर पे चला जाता हूँ। अरे ये क्या, मम्मी पापा तो बाहर ही खड़े है, कहीं इन्हें सब कुछ पता तो नहीं चल गया। जल्दी से जाके देखता हूँ क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? बेटा ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे स्कूल से फोन आया था, तुमने कुछ बच्चों को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। बेटा ये बिल्कुल गलत बात है। अरे मम्मी मैंने जानबूझ के नहीं किया, उन्होंने पहले शुरू किया था, फिर अचानक से मुझे क्या हो गया मुझे भी नहीं पता, मेरे में बहुत ज्यादा पावर आ गई। मुझे लगता है अब तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। बेटा तुम हमारे असली बच्चा नहीं हो। क्या मतलब आपका? रुको मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, तुम बस चुपचाप मेरे साथ आ जाओ, चलो आ जाओ। अच्छा ठीक है, पर आप लेके कहाँ पर जा रहे हो? अरे तुम बस पीछे आओ ना। ये कौन सी जगह है, मैं तो यहाँ पर कभी भी नहीं आया। यह हमारा ही गोडाउन है, हमने तुम्हें जानबूझ के आज तक नहीं बताया था। अरे पर क्यों? क्योंकि तुम इसी चीज में धरती पर आए थे और हमें डर था कि किसी को पता चल गया तो वो तुम्हें उठा के लेके जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हो, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे छोड़ो ना बेटा, ये सब पुरानी बातें हैं, तुम हमारे बेटे हो और हमारे बेटे ही रहोगे। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ही बेटा हूँ। जल्दी से अंदर जाके देखता हूँ आखिर में ये चीज है क्या। ये तो पूरी तरीके से जल चुकी है, थोड़ा और अंदर जाके
जाके देखता हूँ। अरे ये क्या पड़ा है यहाँ पर, ये तो किसी चाबी जैसा लग रहा है। चल कोई नहीं, इसे ले लेता हूँ। अरे पिताजी मुझे अंदर से कोई चीज मिली है, ऐसा लग रहा है किसी चीज की चाबी है। अरे क्या फर्क पड़ता है बेटा, ये चीज तो तबाह हो चुकी है। अच्छा ठीक है, अब चलो घर पे चलते हैं, मम्मी हमारा इंतजार कर रही होगी। कहानी 25 साल बाद की। अब क्लार काफी बड़ा हो चुका है और वो खेती बाड़ी में अपने पिताजी की मदद कराता है। अरे यार ये सब करते हुए मैं तो टाइम ही भूल गया, जल्दी से पिताजी के पास जाता हूँ, मैं तो ऑफिस के लिए काफी लेट हो जाऊंगा। पिताजी मेरी बात सुनो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ, इसके आगे का काम आप संभाल लो, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अरे बेटा टेंशन मत लो, तुम बिंदास जाओ, यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगा, अब दुनिया के सबसे बेस्ट पिताजी हो। चलो मैं चलता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ अपनी बाइक के पास, अब निकलता हूँ यहाँ से, वरना बॉस मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे, और वैसे भी ऑफिस में काफी ज्यादा काम है, कपड़े भी ऑफिस जाके ही बदल लूंगा। आज तो काम करते करते काफी थक गया हूँ, एक काम करता हूँ थोड़ी देर जाके टीवी देख लेता हूँ। ये खुल गया दरवाजा, पता नहीं आज न्यूज में क्या चल रहा होगा, जल्दी से चालू करके देखता हूँ। चैन से सोना है तो जाग जाइए, लॉस सैंटोस के पहाड़ों में एक स्पेसशिप दिखी गई है और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कई सालों पुरानी है और वो भी काफी एडवांस लेवल की, पर उन्हें अभी तक पता नहीं लग पाया कि ये कहां से आई है, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये क्या, कहीं इसका मेरे बचपन वाली स्पेसशिप से कुछ लेना देना तो नहीं, मुझे जल्दी जाके देखना पड़ेगा। वैसे भी आज का काम तो मेरा हो चुका है, फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ, मुझे लग रहा है स्पेसशिप में मेरे कुछ काम की चीज होगी। जल्दी से अपने बाइक पे बैठता हूँ और ये चला मैं, पर मुझे संभल के जाना होगा, वहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस है, आज तो मैं पता लगा के ही रहूंगा कि मैं कौन हूँ। चलो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया, और वो रही स्पेसशिप, ये तो काफी ज्यादा बड़ी है, जल्दी जल्दी इसके पास जाता हूँ, मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। अब जल्दी से बाइक को यहाँ पर रोकता हूँ और उतरता हूँ। अरे बाप रे ये तो बहुत ही बड़ी है। और ये क्या, यहाँ पर तो सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट है, चारों बाजू आर्मी वाले खड़े हैं, मुझे छुप छुप के जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ यहाँ नीचे से जाता हूँ, अगर इन्हें पता लग गया तो ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। अरे अरे बार बार बचा, अभी तो ये लोग मुझे देख ही लेते। अब यहाँ से आराम आराम से जाता हूँ, चलो मुझे किसी ने नहीं देखा। अब जल्दी से नीचे से भागता हूँ, मैं काफी ज्यादा नजदीक पहुँच गया हूँ, बस थोड़ा सा और बाकी है, और ये मैं पहुँच गया फाइनली। अरे वाह क्या बात है, ये तो अंदर से काफी एडवांस लगती है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पुरानी है, ये क्या चीज है। एक काम करता हूँ, मुझे बचपन में जो चाबी मिली थी वो इसमें डाल के देखता हूँ। फिर बच्चे ये कौन बोला, पीछे देखो मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, चिंता मत करना ये असली नहीं है, ये एक रिकॉर्डिंग है, मुझे पता था तुम एक दिन यहाँ पर जरूर आओगे। पर आप हो कौन, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ, मैंने तुम्हें क्रिप्टन से यहाँ पर भेजा था। अरे पर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्रिप्टन तबाह होने वाला था और तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम अभी जानते नहीं हो तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा पावर है। यहाँ पर तुम्हें एक सूट मिलेगा जो तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया था। कहाँ पर, अरे ये सूट कहाँ से आया, ये तो बड़ा ही कमाल का लग रहा है, अब जल्दी से इसे पहन लो। अच्छा ठीक है अभी जाके पहनता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे पिताजी कहाँ पर गए, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, मुझे सूट की टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ यहाँ से उड़ के देखता हूँ अपना पूरा दम लगा के, और ये चला मैं। अरे वाह क्या बात है, मुझे नहीं पता था मैं उड़ भी सकता हूँ और वो भी इतने तेज। जब क्लार्क ने वो चाबी उस स्पेसशिप में लगाई तो जनरल जॉर्ड को पता चल चुका था कि वो कहाँ पर है, क्योंकि स्पेसशिप का सिग्नल सीधा उसे मिल गया था और वो भी अब धरती पर पहुँच चुका था, क्योंकि वो कोडेक्स उसे भी चाहिए था। अब क्या होगा इस धरती का, क्या सुपरमैन इसे बचा लेगा या फिर जनरल जॉर्ड की जीत होगी, चलिए आइए देखते हैं। तो यही वो प्लेनेट है जहाँ पर जॉल-एल ने अपने बच्चे के साथ उस कोडेक्स को भेजा था। वो कोडेक्स मुझे किसी भी हालत में चाहिए, मैं उसके बच्चे को खत्म कर दूंगा, हमें जल्दी से उसे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मैंने पूरी जगह छान ली, वो कोडेक्स मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, मुझे लगता है वो यहाँ से चोरी हो चुका है, हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। ऐसा नहीं हो सकता, वो यहीं पर होना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस बच्चे के अंदर हो, अगर ऐसा हुआ तो वो बच्चा तो गया, क्योंकि वो कोडेक्स मुझे किसी भी हालत में चाहिए। अरे तुम लोग कौन हो, अब ये कौन है, जरा इनके पास जाके देखता हूँ, इन्हें कोडेक्स के बारे में पता होगा, मेरा कोडेक्स कहाँ पर है। अरे कौन सा कोडेक्स, ये तो मैंने पहली बार सुना है, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हाँ चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, समझे के नहीं, भागो। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, तुम तो गए, ये लो। अब मोहतरमा तुम्हारी बारी, अगर मुझे मेरा कोडेक्स नहीं मिला तो मैं पूरे प्लेनेट को खत्म कर दूंगा, यहाँ पर आओ, और जिस किसी के पास कोडेक्स है वो तुम्हारी मौत से समझ जाएगा कि मैं कितना खतरनाक हूँ। अरे छोड़ दो मुझे जालिम, प्लीज छोड़ दो। अच्छा ऐसी बात है, तो जाओ यहाँ से कमजोर इंसान। अब हम क्या करेंगे, हमें बस इंतजार करना है, यहाँ का एनवायरनमेंट हमें सूट नहीं होता, इसलिए मैंने दो शिप और मंगाई है, ये बहुत ही कमाल की चीज है, ये धरती के ऑक्सीजन को खत्म कर देगी और यहाँ का वातावरण क्रिप्टॉन जैसा बना देगी और सारे इंसान मर जाएंगे। अरे ये क्या, ये तो मेरे मम्मी के चिल्लाने की आवाज थी, जल्दी जल्दी जाता हूँ, पता नहीं उनको क्या हुआ होगा, आवाज तो यही से आ रही थी, जल्दी से नीचे उतरता हूँ। अरे ये क्या, ये किसने किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये तो बहुत ही गलत हुआ है, जिस किसी ने भी ये किया है तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। मुझे लगता है मेरी मॉम के मौत का उस चीज से कुछ लेना देना है, अगर ऐसी बात है तो उस चीज को मैं छोड़ूंगा नहीं, जल्दी से उसके पास जाता हूँ। ये चला मैं, आज तो इसे खत्म कर दूंगा, पता नहीं ये कहाँ से आई होगी। अरे ये क्या, नीचे तो बहुत सारे पुलिस वाले है, एक काम करता हूँ उनसे जाके मिलता हूँ, उन्हें पता होगा ये क्या है। इंस्पेक्टर मेरा नाम क्लार्क है, आप मुझे सुपरमैन
भी कह सकते हो। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप मुझे बता दो कि ये क्या चीज है। ये तो हमें भी नहीं पता ये क्या चीज है, पर ये चीज यहाँ की ऑक्सीजन खत्म कर रही है। अगर तुम्हें हमारी मदद करनी है तो ऐसी दो चीज है, इसे हम खत्म कर देंगे और दूसरी वाली को तुम जाके संभालो। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद करूंगा। इसके लिए मुझे जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। फटाफट निकलता हूँ, मैं आ रहा हूँ। इस चीज को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तो ये वो चीज है, अभी जाके इसे खत्म करता हूँ। इसे कैसे खत्म कर दोगे? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ये लो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? वो कौन था? ये तो यही पर है। तो तुम जोरेल के बच्चे हो, वो कोडेक्स मुझे दे दो। कौन सा कोडेक्स? मैं किसी के बारे में नहीं जानता। वो कोडेक्स जिससे तुमने उस शिप को एक्टिवेट किया था। अच्छा तो तुम उस चाबी की बात कर रहे हो? वो तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तो तुम्हारा भी वही असर होगा जो उस औरत का हुआ था। तो तुमने ही मेरी माँ को मारा था। तुम लोग तो आज बचोगे नहीं मेरे हाथ से। हिम्मत है तो आ जाओ मुझसे लड़ो। तो फिर ये लो। अरे बाप रे, ये तो बहुत जोर से मारा। पहले जाके इस चीज को खत्म करता हूँ। दूर हो जाओ इस चीज से। अरे ये लोग तो मुझे इसके पास जाने ही नहीं दे रहे। हट जाओ यहाँ से, आज तुम भी खत्म हो गए और ये चीज भी। अरे अरे, ये क्या हो गया? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो बच्चे, मैंने बहुत कुछ देखा है। अरे बाप रे, बहुत जोर से लगी, ये लो। अब ये खाओ। तुम हम दोनों के सामने नहीं टिक सकते, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये लो, हट जाओ हमारे रास्ते से और वो कोडेक्स मुझे दे दो। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। तुम्हें मिलेगी तो बस मौत। ये लो और ये भी लो, तुमने मेरी मम्मी को मारा है। मैं तुम्हें ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं दूंगा। पहले तो ये खा और ये भी। दूर हो जा मुझसे, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। मैं तुम दोनों को संभाल लूंगा। अब ये लो लेजर खाओ, मैं सबको खत्म कर दूंगा। कहाँ पर गए वो लोग? अभी तो यही पर थे। हम तो अभी भी यही पर है, तुझे मारे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। बार बार बचा। अरे इसने तो पत्थर उठा के मार दिया। मुझे जल्दी से रुकना होगा। अब फटाफट उसके पास जाता हूँ। मैं आ रहा हूँ। आ रहा नहीं, तू जा रहा है। ये ले और ये भी ले और ये भी खा और अब ये ले। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें जरूर पड़ेगा। अब तुम्हारी खैर नहीं। ये लो और ये भी लो, अब ये खाओ। तुम्हारा प्लान कभी कामयाब नहीं होगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जाओ यहाँ से। अभी अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता हूँ। ये लो एक बार और, ताकि इनका नामो निशान मिट जाए। ये लो। चलो ये लोग तो खत्म हो गए, मुझे चीज को जाके भी खत्म करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ, नहीं तो यहाँ की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ये रही वो चीज, अपनी पूरी ताकत के साथ मुझे इसे चीरते हुए निकलना पड़ेगा। और ये गई वो चीज। चलो फाइनली मैंने इसे तबाह कर ही लिया। तो ये थी कहानी सुपरमैन की। अरे वो क्या बात है, सुपरमैन की कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। और उसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आईडी स्क्रीन पे आ रही होगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाओ, मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।